नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी, तो चलिए बढ़ते हैं अब तक की खबरों की ओर। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने निकाली रिक्त किया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने विद्युत सहायक के पद के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए रिक्तियों की कुल संख्या 7000 है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 और प्रासंगिक व्यापार में डिप्लोमा की योग्यता होना अनिवार्य है। उम्मीदवार इन पदों के लिए 20 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.mahadiscom.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। इंटर और मैट्रिक की कॉपी जांच की तारीखों में हुआ बदलाव। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाल ही में खत्म हुए मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी के मूल्यांकन की तारीख में फेरबदल कर दिया है। जहां पहले इंटर की कॉपी की जांच 26 फरवरी से शुरू होने वाली थी, वहीं अब इसे बदलकर 5 मार्च कर दिया गया है। वहीं बात अगर मैट्रिक उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की बात करें तो पहले यह 5 से 17 मार्च के बीच किया जाना था, लेकिन नए बदलाव के कारण अब मैट्रिक की कॉपी की जांच 12 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगी। इसके साथ ही बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य के समय में भी बदलाव कर दिया है। इसके अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही पाली में मूल्यांकन को कराया जाएगा। इसके अनुसार अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही पाली में मूल्यांकन कराया जाएगा। बिहार में 1767 अमीनों की होगी बहाली। रोजगार के मुद्दे के बीच बिहार सरकार राज्य में नए रोजगार देने की दिशा में प्रयास कर रही है। इसी के तहत राजस्व एवं भूमि विभाग अमीन के पद पर बहाली लेकर आई है। विभाग के अनुसार राजस्व कर्मियों की नियुक्ति जून से पहले कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को 1881 अमीनों की बहाली संबंधी एक पत्र भेजा गया था, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा आयोजित किया था, जिसका रिजल्ट जारी हो जाने के बाद आयोग ने 1767 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं मंत्री ने यह भी बताया कि अब संविदा पर अमीनों की बहाली नहीं की जाएगी, सरकार इन्हें स्थायी तौर पर नियुक्त करने वाली है। अमीनों को बहाली के बाद सभी जिलों में तैनात किया जाएगा, ऐसे में जिलों में भी अमीन की कमी नहीं होगी। 2904 बंद पड़े नलकूपों को किया जाएगा चालू। बिहार के 58% सरकारी नलकूप जो किसी कारणवश खराब या बंद हो चुके हैं, उन्हें फिर से ठीक कर शुरू कर दिया जाएगा। इसे लेकर लघु जल संसाधन मंत्री ने बताया है कि राज्य में कुल 10,240 सरकारी नलकूप है। इनमें से 4,300 नलकूप ही ऐसे हैं जिसमें से पानी आते हैं और नियमित तरीके से प्रयोग में लाए जा रहे हैं, मगर 5,940 नलकूप बंद है। इन बंद पड़े नलकूपों में से मंत्रालय ने फिलहाल 2,904 बंद नलकूपों को चालू करने की योजना तैयार कर ली है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को कुल 138.843 करोड़ की राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। इनके चालू हो जाने से खेतिहर किसानों को विशेष रूप से राहत मिलेगी। रोहतास जिले के मांझर कुंड और धुआं कुंड में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड और धुआं कुंड एक जलप्रपात या झरना है जो अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पहाड़ से गिरते पानी को देखना एक अलग ही रोमांचक एहसास होता है और इसी को देखने एवं प्राकृतिक खूबसूरती का एहसास करने से बिहार से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटक आते हैं। पर्वत पर काव नदी का पानी एक धारा बनाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए मांझर कुंड के जलप्रपात में इकट्ठा होता है। वहीं मांझर कुंड की कुछ दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरने वाले पानी से उठते धुंध को लेकर उस स्थान को धुआं कुंड का नाम मिल गया है। यह स्थान युवा एवं सभी के लिए बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। सावन खत्म होने के तुरंत बाद के रविवार को यहां लोगों की भीड़ पिकनिक मनाने के लिए सबसे ज्यादा इकट्ठा होती है। आज होगा पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन। पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन आज किया जाएगा। इस नए भवन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश शरद ए बोबडे करने वाले हैं। उद्घाटन समारोह की शुरुआत दिन के 10 बजे से होगी। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस नवीन सिन्हा भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपना संबोधन देंगे। बता दें कि 116 करोड़ की लागत से बने इस नए भवन का शिलान्यास साल 2014 में ही किया गया था और 2 वर्ष में ही बिल्डिंग का निर्माण कराया जाना था, जो कि अब जाकर पूरा हो पाया है। साइकिल पर सवार तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे। लगातार बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों के बीच अलग अलग तरीके से बिहार में विपक्षी पार्टियां सरकार को निशाने में ले रही है। इसी मुद्दे पर कल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि विधानसभा में अभी बजट सत्र चल रहा है और सदन में सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने के बाद तेजस्वी यादव सड़क पर भी अपने विरोध को खुद ही साइकिल चलाते हुए दर्शा रहे थे। इससे पहले भी तेजस्वी ने पटना की सड़क पर किसान आंदोलन के समर्थन और पेट्रोल डीजल दामों में बढ़ोतरी के विरोध में ट्रैक्टर चलाते हुए विधानसभा मार्च किया था। हालांकि तब सुरक्षा बलों ने ट्रैक्टर को विधानसभा परिसर से पहले ही रोक दिया था।
स्वास्थ्य मंत्री ने की 6300 से अधिक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के बाद बजट सत्र में विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र की अद्यतन स्थितियों के बारे में कई जानकारी दी। इसके मुताबिक जल्द ही राज्य में चिकित्सा से जुड़े कई रोजगार मिलने वाले हैं। मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 यानी कि कुल मिलाकर 6338 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को एक अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अलावा राज्य में स्टाफ नर्स ग्रेड के रिक्त पदों की संख्या पर चयन हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अभी तक 5097 नर्स ग्रेड ए की अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिनका पदस्थापन विभिन्न संस्थानों में किया गया है। इसके अलावा विभाग द्वारा राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा 36 जिला अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। लालू जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में सुनवाई अब 5 मार्च को। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल मामले में सुनवाई की तारीख फिर से बढ़ा दी गई है। मामले में अब अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। दरअसल जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में इससे पहले की सुनवाई के दौरान अदालत को यह बताया गया कि लालू प्रसाद की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में रेफर किया है। इसके लिए कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था और रिम्स को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। वहीं अब रिम्स की ओर से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है, लेकिन शुक्रवार को वह कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं आ सका था। इस कारण मामले की अगली सुनवाई को बढ़ा दिया गया है। चौकीदार दफादार के आश्रितों को अनुकंपा पर मिलेगी नौकरी। विधानसभा में चौकीदार दफादार के हित को लेकर उठाए गए एक मुद्दे में बिहार सरकार के प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि चौकीदार दफादार के खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत अगर किसी चौकीदार दफादार की मृत्यु हो जाती है या फिर वे अपनी इच्छा के अनुसार समय से पहले ही सेवा से मुक्त होते हैं तो अनुकंपा के आधार पर उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। दरअसल ऐसा प्रावधान 2014 में ही लाया गया था, लेकिन छोटी मोटी कमी के कारण उनके परिजनों के आवेदन को लंबित गया है, जिस कारण इनके आश्रितों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मगर अब सरकार ने सभी जिलों को तत्काल लंबित मामलों का निपटारा करने का निर्देश जारी किया है। बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिसंबर 2020 में आयोजित साल 2014 की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देर शाम को जारी कर दिया। मुख्य परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर कुल मिलाकर 52,784 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इन सफल उम्मीदवारों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा में भाग लिया था वे आधिकारिक वेबसाइट bssc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीएसएससी कार्यालय सहायक के कुल 13,200 पदों के लिए साल 2014 में ही आवेदन मांगे थे, लेकिन आवेदन भरने के 6 सालों के बाद साल 2020 के दिसंबर महीने में परीक्षा ली गई थी। रिजल्ट जारी होने के बाद अब मुख्य लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन परीक्षा, आशुलेखन परीक्षा एवं अन्य जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फोन रिसीव नहीं करना थानेदार को पड़ा महंगा। राज्य के छपरा जिले में अमरौर थाना के प्रभारी को डीआईजी का फोन नहीं उठाने की बहुत बड़ी सजा मिल गई। दरअसल सारण के नए डीआईजी बने मनु महाराज ने फोन नहीं उठाने पर प्रभारी थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। इस कड़े एक्शन को डीआईजी ने काम में लापरवाही करने के आरोप में उठाया है। दरअसल अमरौर के थानाध्यक्ष के ट्रेनिंग पर जाने के दौरान थानेदार आजाद खान को प्रभार के रूप में काम मिला था। इस दौरान कुछ मामले को लेकर डीआईजी मनु महाराज ने उन्हें फोन कॉल किया जिसे उन्होंने नहीं लिया। वहीं इस मामले में डीआईजी का कहना है कि सरकारी काम में लापरवाही किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी थानाध्यक्ष के द्वारा फोन का नहीं उठाया जाना ड्यूटी में लापरवाही माना जाएगा और ऐसे में उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। 60 वर्ष के ऊपर के सदस्यों को विधानमंडल में ही दिया जाएगा टीका। बिहार विधानमंडल के 60 वर्ष से ऊपर के सदस्यों, कर्मियों और अधिकारियों को 1 मार्च से कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए विधानमंडल परिसर में ही अलग से कक्ष की व्यवस्था तैयार की जाएगी। वहीं इस दौरान विधान परिषद में कांग्रेस के पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने मीडिया कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल करने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि 6 लाख लोगों ने बिहार में कोविड-19 का टीका लिया है। 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। इसके बाद 1 मार्च के बाद से 45 वर्ष से अधिक के लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं उन्हें भी टीका दिए जाएंगे। विजय हजारे ट्रॉफी के अपने 4थे मैच में भी हारा बिहार। बीसीसीआई द्वारा आयोजित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार टीम को लगातार 4थे मैच में भी हार मिली है। बीते दिन शुक्रवार को ओडिशा टीम ने बिहार को 11 गेंद शेष रहते 7 विकेट से हरा दिया। यह मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था।
किशनगंज जिले में अन्य जिलों से अधिक है जनसंख्या वृद्धि की दर। बिहार सरकार ने विधानसभा में जनसंख्या के मुद्दे के बाबत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस दौरान सरकार ने कहा कि किशनगंज में 30 फीसदी की दशकीय दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इस वक्त देश में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.57 है, जबकि किशनगंज जिला में जनसंख्या वृद्धि की दर 4.60% है। बिहार सरकार के मुताबिक 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज जिले में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर सबसे अधिक 3.04% है। सरकार ने विधानसभा में आंकड़ों के माध्यम से बताया कि किशनगंज में जनसंख्या वृद्धि की दर दूसरे जिलों से अधिक है। वहीं 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। शराबबंदी पर नीतीश सरकार का बड़ा बयान। बिहार में शराबबंदी के बाद भी अक्सर शराब की खेप पकड़ी जाती है, जिसमें कभी कभी कई बार बड़े लोग या पुलिस तक की संलिप्तता रहती है। वहीं शराबबंदी को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई ना हो, इसके लिए नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब की तस्करी करने में कोई भी व्यक्ति हो या किसी का भी नजदीक हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। चाहे कोई व्यक्ति बिहार में रहकर शराब सप्लाई करता है या फिर दूसरे राज्य में रहकर करता हो, इन्हें चिन्हित कर सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की ओर से आयोजित पुलिस सप्ताह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इन बातों को कहा था। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि शराबबंदी की दिशा में अच्छे काम करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार और पुलिस प्रशासन की भी जमकर तारीफ की। कामाख्या देवी के दर्शन कर तेजस्वी करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। इस साल असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए पार्टियों की तैयारी भी जोर शोर से है। इस बीच पश्चिम बंगाल और असम चुनाव लड़ने के लिए राजद ने भी कमर कस ली है। तेजस्वी यादव इस क्रम में बीते शाम गुवाहाटी के दौरे पर निकले हैं। इस दौरान मीडिया से तेजस्वी ने बताया कि वह गुवाहाटी में अपने पार्टी की रणनीति और वाम दलों या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन पर चर्चा करने के लिए आए हैं। इसके लिए यहां बैठक कर निर्णय लिए जाएंगे। वहीं तेजस्वी ने यह भी कहा कि गुवाहाटी में वे सिद्धपीठ मां कामाख्या देवी के दर्शन भी करेंगे, जिसके बाद अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। तेजस्वी ने यहां भी मीडिया से मुखातिब होते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूके। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 1931 में खुद की जान आज ही के दिन ले ली थी। 1988 में पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का उद्घाटन आज ही के दिन किया था। सन 2001 में गोधरा गुजरात में अयोध्या से वापस आ रहे कार सेवकों के डिब्बे में मुसलमानों के आग लगाए जाने से 59 हिंदू कार सेवकों की जान आज ही के दिन चली गई थी। लगातार 7वें साल विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए 2008 में 25 महिलाओं को GR8 सम्मान से नवाजा गया था। सीएम नीतीश ने दी एसपी को फील्ड का दौरा करने की नसीहत। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और किसी भी अपराध की जांच समय सीमा के अंदर पूरे होने चाहिए, ताकि संबंधित अपराधियों को सजा मिल सके। इसके साथ ही सभी जिलों के एसपी को भी सप्ताह में 3-4 दिन तक क्षेत्रों का दौरा करने की बात कही है। सीएम ने कहा कि अपराध को नियंत्रण में लाने और लोगों के बीच किसी भी तरह के भय को खत्म करने के लिए पुलिस को बराबर रूप से समाज में लोगों के बीच जाना चाहिए। अपराध मुक्त समाज बनाने की दिशा में पुलिस और आम जनता दोनों का परस्पर सहयोग होना जरूरी होता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की बजी भी कुल। 5 राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसके तहत पहला चरण 27 मार्च को, दूसरा चरण 1 अप्रैल को, तीसरा चरण 6 अप्रैल को, चौथा चरण 10 को, पांचवा चरण 17 अप्रैल को, इसके साथ ही छठा चरण 22 अप्रैल को, सातवां चरण 26 अप्रैल को और आठवां चरण 29 अप्रैल को होने वाला है। इसके साथ ही असम की बात करें तो असम का चुनाव 3 चरणों में होने वाला है, जिसकी शुरुआत 27 मार्च से होने वाली है। वहीं दूसरा चरण 1 अप्रैल को, तो वहीं आखिरी चरण 6 अप्रैल को होने वाला है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में चुनाव होने वाला है, जिसका आयोजन 6 अप्रैल को होने वाला है। पटना में आने वाले 24 घंटे में देखने को मिल सकती है धूल भरी आंधी। पटना सहित बिहार भर में अगले 24 घंटे में धूल भरी आंधी की स्थिति बन सकती है। साथ ही पारे में भी 2 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार है, जिसके बाद पटना में फरवरी महीने में पिछले 3 साल की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो गुरुवार को राजधानी पटना का तापमान 32.6 डिग्री था। इससे पहले साल 2017 में 21 फरवरी को पटना का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। पिछले साल की बात करें तो फरवरी महीने में सर्वाधिक तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा था, जबकि 2019 में 22 फरवरी को 31.4 डिग्री सेल्सियस और साल 2018 में 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।
31 मार्च तक देश भर में जारी रहेंगे कोविड गाइडलाइंस। कोरोना की नई लहर को देखते हुए गृह मंत्रालय ने मौजूदा कोविड गाइडलाइंस को आने वाले महीने मार्च की 31 तारीख तक बढ़ाए जाने का आदेश दिया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने खासकर वैसे जगह पर इन गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है जहां फिर से कई केस लगातार आ रहे हैं। बढ़ते केस को देखते हुए 27 जनवरी को नए गाइडलाइंस जारी किए गए थे जिसका अनुपालन सख्ती से 31 मार्च तक करना है। वहीं इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना केसेस के बीच देश में नए स्ट्रेन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है जिसके लिए काफी सावधानियां बरतने की जरूरत है। तीसरे मैच में जीत के बाद तेज गेंदबाज हुए मींस का शिकार। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नए पिच पर खेली गई इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के मैच में टीम इंडिया ने 10 विकेट से जीत अपने नाम कर ली और सीरीज में 2-1 से बढ़त भी बना लिया। स्पिनरों के लिए ये पिच अच्छी साबित हुई तो वहीं इस नए पिच में तेज गेंदबाजों के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं था। आपको बता दें कि इस पूरे मैच में कुल 30 विकेट गिरे जिसमें 28 विकेट गिरने का श्रेय स्पिनरों को मिला। ऐसे में दोनों ही टीमों के तेज गेंदबाज को काफी कम मौका मिला। दूसरी पारी में दोनों टीम ने ही एक भी तेज बाद से बॉलिंग नहीं कराई। इसे लेकर सोशल मीडिया पर अब तेज गेंदबाजों पर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। कंगना रनौत ने श्रीदेवी से की अपनी तुलना। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत लगभग ही सोशल मीडिया सेंसेशन बनी रहती है और हर मुद्दे पर मुखर होती है। वहीं हाल ही में वो फिर से ट्रॉल आर्मी की नजर में आ गई हैं। दरअसल कंगना ने अपनी एक फिल्म को लेकर बात करते हुए खुद की तुलना दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी से कर डाली। उन्होंने एक ट्वीट में तनु वेड्स मनु मूवी के 10 साल पूरे होने पर लिखा था कि इस फिल्म से मेन स्ट्रीम में मेरी एंट्री हुई वो भी कॉमेडी के साथ। अपनी कॉमिक टाइमिंग के कारण मैं दिग्गज श्रीदेवी के बाद ऐसी दूसरी एक्ट्रेस बन गई जिसने कॉमेडी की। इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर कंगना को कई लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,740 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,740 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,800 रुपए था। इसके अलावे राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 93.32 रुपए प्रति लीटर था तो वहीं डीजल 85.26 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, शंकर मुखिया, कन्हाई राज, इर्तिका शाहीन, दिलखुश कुमार, अतीक खान, अजीमा फिरदौस, सुनील कुमार महतो, निशु कुमारी, दीपक श्रीवास्तव, रंजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब यूं ही देते रहें, हम कल आपका नाम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार 1 मार्च से सभी बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने का सरकार का फैसला सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े लेटेस्ट खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।